मैथिली ठाकुर का घर यहाँ से कितनी दूर पर? ये इधर ये पश्चिम से। आप कौन है मैथिली ठाकुर के? दादाजी हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल फकीरना ब्लॉग्स में और मैं हूं सुभाष। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद प्यार से मैं भी ठीक हूं। दोस्तों आज जा रहे हैं बिहार के मधुबनी जिला के उरेन गांव। बिहार के जो है फोक सिंगर लोक गायिका मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर के घर आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका जन्म जो है 25 जुलाई 2000 ईस्वी में उसका जन्म हुआ है और उन्होंने जो है बहुत ही कम उम्र में जो है बहुत बड़ी पहचान जो है बना चुकी है, जो हमारी मैथिली के लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे बिहार के लिए। उनके पिताजी रमेश ठाकुर जो संगीतकार जो है बहुत ही पहले से वो है, उनकी माता जो है भारती ठाकुर और उनका भाई जो है एक आयाची ठाकुर और ऋषभ ठाकुर है, जिनको जो है 2019 ईस्वी में जो है मैथिली ठाकुर और उनके भाइयों को जो है मधुबनी जिला के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है उनको बनाया गया है, जो आज जो है पूरे जिला के लिए जो है बहुत ही गौरव की बात है। आज मैं उन्हीं के घर दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा आप। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं बेनीपट्टी के उरेन गांव। कहा जाता है कि सबसे पहले राजा जनक ने राम सीता विवाह के समय महिला कलाकारों के द्वारा पूरे शहर में मिथिला पेंटिंग करवाई गई थी, ताकि अयोध्या से आने वाले सभी लोगों को पता चल सके कि मिथिला की सभ्यता कितनी महान है। वहीं से मिथिला पेंटिंग का जन्म हुआ, जो पूरे देश में पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों ये देख सकते हैं, यही उगना चौक है, यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए हैं। हम पूछते हैं यहाँ से, इधर जो है चारों तरफ का रास्ता ये देख सकते हैं, चारों तरफ का रास्ता है। तो पूछते हैं अंकल जी से, मैथिली ठाकुर का घर यहाँ से कितनी दूर पर? इधर घर है उरेन, ये इधर ये पश्चिम से। पश्चिम साइड में है उरेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसका घर हुआ पश्चिम साइड में, तो हम लोग निकलते हैं, इधर ही पश्चिम साइड है, तो जा रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मधुबनी जिला के उरेन गांव में, जहां पर मैथिली ठाकुर जी का जन्म स्थान है, जहां उनका घर है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यही उनका घर है और इसके बगल में यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये काली मंदिर है, जहां पर हर वर्ष जो है काली पूजा में जो है यहाँ पर मेला लगती है। तो दोस्तों यही देख सकते हैं, यही जो है मैथिली ठाकुर जी का घर है और इसके बगल में ये देख सकते हैं, यहाँ काली स्थान है, काली मंदिर है और इसी के जस्ट साइड में जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये मंच एक छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पर जो है कार्यक्रम सब होते हैं। तो चलिए हम अंकल जी से पूछते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप कौन है मैथिली ठाकुर के? दादाजी हैं। वो बचपन से यहाँ गीत गाती थी या इधर आके चालू किए? बचपन में शौक बहुत थी, यहाँ पर मन होता था अखबार में, हम उसमें वो भी आकर के बैठ जाती। और सुने हैं कि उनके आप ही बोले दादाजी और पिताजी भी संगीत के टीचर थे, वहीं उनको शिक्षा देते थे, तो वहीं आप भी गाना गाते हैं, गाते थे पहले? अच्छा, उनके पिताजी और वो आते हैं इधर या नहीं आते हैं अभी? बिहार में आते हैं। तो जैसे कि अभी वो रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं। आप लोग से फोन से बातचीत तो होती होगी सर? नहीं होती। तो जैसे कि आप सुने कि दोस्तों की बात भी बात नहीं होती है, तो कभी कभी आती है वो लोग। तो दोस्तों यही उनके दादाजी हैं। तो चलिए दोस्तों और भी इनके घर दिखाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे।
दोस्त हम लोग जा रहे हैं।